अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। आइए सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडवर्ब बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफायर ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये मॉडिफायर है वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब का, यानी कि वर्ब कैसे काम करता है, कब काम करता है या उसके काम के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रहा है। वॉकिंग वर्ब है, एक्शन है, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ स्लोली, इससे हमें पता चल रहा है कि वो कैसे चल रहा है, उसका अंदाज कैसे है, तो स्लोली एडवर्ब कहलाएगा। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जो आज हम एडवर्ब की काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री शामिल है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है अंदाज, तरीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली हमें बताता है हाउ समथिंग हैपन्स और हाउ इज़ डन, कैसे काम किया जाता है या क्या कोई चीज़ कैसे रूनुमा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। यहाँ पर लफ्ज़ हैप्पीली बता रहा है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर देता है, एक्शन के बारे में हाउ का आंसर देता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें हमें एक्शन के बारे में व्हेन का जवाब मिलता है कि कब काम किया गया। इट टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैज़ बीन डन, कब काम किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिसीव दिस लेटर यस्टरडे, आई रिसीव हिज लेटर यस्टरडे, मुझे उसका ख़त कल मौसूल हुआ। यस्टरडे, टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स अबाउट वेयर समथिंग हैपन्स और वेयर इज़ डन, कि कोई चीज़ कहाँ रूनुमा हुई है या कहाँ पे काम किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली कम्स हियर, यहाँ पर कम्स एक्शन है, वर्ब है। हेयर, कहाँ पर अली आता है, हेयर, ये वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स हाउ ऑफन थिंग्स हैपन, कि कितनी दफ़ा या किसी भी काम होने की क्या फ्रीक्वेंसी है, किस हद तक काम होता है। सलमा यूजली लाइक्स टू ईट फ्रूट, सलमा अमूमन फ्रूट खाना पसंद करती है। अब यूजली से पता चल रहा है कि वो हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है कि कितना अक्सर वो ये खाती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर्टी, स्टेट्स, कंडीशंस एंड रिलेशंस। द प्लेन वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी कि किस हद तक, द प्लेन वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ये प्लेन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका था। कम्प्लीटली हमारा एडवर्ब था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।